हम सोच रहे थे कि थोड़ा भोजन और विश्राम के बाद यहाँ से प्रस्थान किया जाए। कितनी खूबसूरत जगह है ये धरती, ये खुला आसमान, ताजी हवा, रंग उड़ाती तितलियां। महल की चार दीवारी में हम तो भूल ही गए थे कि दुनिया बाहर भी है। हम कुछ पल एकांत में इन नजारों के साथ बिताना चाहते, जल्दी लौट आएंगे। नहीं, अगर क्रूर सिंह जी ने आपके बारे में पूछ लिया तो हमें तुम दोनों की चतुराई पे भरोसा है, संभाल लेना। राजकुमारी जी, भाई राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी का हमने राजकुमारी जी के खाने के लिए विशेष पकवान बनाए थे। नहीं नहीं नहीं, राजकुमारी जी नहीं खा पाएंगी, असल में उनके पेट में दर्द है। पेट में? कमबख्त, तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि राजकुमारी जी के पेट में दर्द है? कोई नहीं, हम उनकी दवा का प्रबंध करते हैं। नहीं 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 नहीं, दवाई मैंने दे दी है, अभी वो ठीक है, आराम कर रही है, उन्हें जगाइए। मैं चाचा जी, देखिए रूप कुमारी चंपा, अभी कमबख्त हमारी उम्र उस मुकाम तक नहीं पहुंची है कि कोई हमें चाचा जी कहकर बुलाए। जी क्रूर सिंह जी, माफ कीजिएगा, नादान है, बच्ची है, कभी कभी हमें भी चाची कहकर बुलाती है। पर हमें चाचा जी कहकर ना बुलाया करें। जी
तेरा ही आज हूँ, पहचाने ना क्यों मुझे, हाथों की मेरी लकीरों में तू बसे, तेरी ही खातिर थोड़ा सदियों का फासला, दुनिया को भूला तेरी राहों पे मैं खड़ा। नाम तेरा मुझसे जन्मों से है जुड़ा, बिन तेरे अधूरी है अपनी दास्तां। चीखती चिल्लाती भागती हुई लड़की तुम हो, कभी नहीं बचाता मैं तुम्हें। अगली बार अगर तुम मेरे सामने आई ना, मैं अपने हाथों से जान ले लूंगा तुम्हारी, समझी तुम? सुनाई दे रहा है तुम्हें क्या कह रहा हूं मैं? बहुत हो इसकी नौटंकी, फिर तुम मैं सुन, मैं तुमसे बहुत अच्छा है। ऐसे ही सोती रहो तुम, और ऐसे ही सोते सोते किसी जानवर के पेट में चली जाना, तुम्हारी कहानी और मेरी परेशानी दोनों खत्म।
के बाद भूल कर भी मेरे सामने मत आना चंद्रकांता। राजकुमारी जी, वो रही राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी जीवित है पर बेहोश हो गई है। कोई कोई पानी दो, पानी, पानी दो। राजकुमारी जी, ये राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी। अब ठीक है? होश में आ गई कमबख्त। वो कहाँ गया? वो कौन था कुमारी जी? जिसने हमें चीते से बचाया। चीता? चीता कहाँ है राजकुमारी जी? राजकुमारी जी, शायद वो चीता आपके क्रूर सिंह को देखकर भाग गया। पर राजकुमारी जी, आपको ना हमें बताए बगैर यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम कैसे जीते? कहने का मतलब है कि महाराज से क्या कहते? सारा महल हम पर ताने कसता कहता कि क्रूर सिंह बास की तरह चौकन्ना और सांप की तरह बुद्धिमान होते हुए भी एक मामूली से चीते से आपको नहीं बचा पाया। क्रूर सिंह जी, हम ये सब बातें बाद में भी कर सकते हैं। फिलहाल आप अपनी बाज वाली नजर सूरज पे डालिए। हमें यक्ष महल पहुंचना है सूरज ढलने से पहले। राजकुमारी जी, चलिए। ऐसा क्यों लगा कि मैं उसे जानती हूँ, पहचानती हूँ, और अचानक कहाँ गायब हो गया? वो असलियत में था भी या फिर मेरा वहम था? का मतलब यह है कि वीरेंद्र सिंह के दिन की शुरुआत हो चुकी है। एक लाश गिर चुकी है और न जाने दिन ढलते ढलते और कितनी लाशें गिरेंगी। नहीं पत्री, हम यहां लाशें बिछाने नहीं आए। तुम्हारी यही बात मुझे अटक कर रही है वीरेंद्र सिंह। अगर हम यहां लाशें गिराने नहीं आए हैं तो हम यहां क्यों आए हैं? कल तुम हमारे कक्ष में आए, तुमने हमें आदेश दिया कि चलो, और हमेशा की तरह बिना सोचे हम चल दिए, बिना अधिक हथियार, बिना सेना। कोई खून खराबा नहीं है, ऐसा कौन सा काम करने जा रहे हैं वीरेंद्र सिंह? हम यक्ष महल जा रहे हैं बद्री। चुनारगढ़ को उसका खोया हक और खोया सम्मान वापस दिलाने। हम यक्ष महल जा रहे हैं, चुनारगढ़ को उसका खोया। पहेलियां मत बुझाओ वीरेंद्र सिंह, साफ साफ बताओ कहानी है क्या? बद्री, कल पिताजी ने मुझे बुलाया और आज 100 साल बाद
तिलिस्म के खुलने का वक्त आ गया है। उस तिलिस्म को सिर्फ वही खोल सकता है जिसके पास उसकी चाबी हो, जो यक्ष महल में प्रकट हो चुकी है, क्योंकि बहुत जल्द उसे नौगढ़ के राजकुमार शिवदत्त को सौंप दिया जाएगा। तुम्हें उससे चाबी हासिल करनी है। बिना खून खराबा किए तुम ये कार्य कर पाओगे। इस बार हम लाशें नहीं गिराएंगे। वीरेंद्र सिंह जिसके नाक पर मक्खी बैठ जाए तलवार निकाल लेता है। बिना किसी खून खराबे का काम कर पाएगा वीरेंद्र सिंह? वीरेंद्र सिंह ने आज तक जिस भी काम का बीड़ा उठाया है उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। ये काम भी मैं पूरा करके रहूंगा बद्री। अब वक्त है यश महल जाने का। वहां पहुंचकर हमें अंदर घुसने का रास्ता भी तलाशना है। चलो यहां से। जो हुक्म मेरे आका। राजकुमारी जी, आप कितना सोचेंगी उस अजनबी के बारे में? कैसे बताए तुम्हें चपला? न जाने क्यों वो इंसान जाना पहचाना सा लगा। जैसे अब बस भी कीजिए, युवराज शिवदत्त की परीक्षा कैसे लेनी है इस बारे में सोच लीजिए। हम पहुंचने ही वाले हैं। चलो छो, यक्ष महल जाकर जो करना है उसकी तैयारी करते हैं। राजकुमार शिवदत्त की जय। राजकुमार शिवदत्त की जय। राजकुमार शिवदत्त की जय। प्रणाम युवराज, यक्ष महल में आपका स्वागत है। मैं यहाँ का संरक्षक पंडित मणिधर हूँ। युवराज, सबसे पहले तिलिस्म की कुंजी की पूजा करनी होगी। क्या ये पूजा करना जरूरी है? जी हाँ, यक्ष महल की परंपरा के अनुसार अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद ही तिलिस्म की कुंजी आपको सौंपी जा सकती है। पंडित जी, आपको ये सूचना तो मिल गई होगी कि आज यहाँ विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता हमारी खास मेहमान बनकर आने वाली है। उम्मीद करते हैं कि आपने उनके भव्य स्वागत की सारी तैयारियां कर ली होंगी। राजकुमारी चंद्रकांता की, राजकुमारी चंद्रकांता की, राजकुमारी चंद्रकांता की, राजकुमारी चंद्रकांता की। तो ये है युवराज शिवदत्त। देखने में तो मीठा बतासा दिखता है, ये कम वक्त क्या हमें टक्कर देगा? इसे तो खाकर हम डकार भी नहीं मारेंगे। हुजूर, अक्सर डकार का ना आना बदहजमी की निशानी होता है। अच्छा, और कभी कभी चलती जबान ना कट भी जाया करती है यार अहमद। राजकुमारी चंद्रकांता की, 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 राजकुमारी चंद्रकांता की। यक्ष महल में आपका स्वागत है राजकुमारी चंद्रकांता।
लेकिन आपका परिचय? खेल राजकुमारी जी खेल रही हैं, इसमें सहयोग हमारा है, कुछ समझे? इसलिए चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो। राजकुमारी जी, आपके बारे में जितना हमने सुना था उससे कहीं ज्यादा भोली हैं आप। देखिए राजकुमारी जी, आसमान में दमकते सूरज का परिचय सिर्फ उसका तेज होता है और जंगल में दौड़ते हुए बाघ का परिचय उसकी दहाड़। ये जो आपके सम्मुख खड़े हैं वो इस दुनिया के मसीहा हमारे युवराज शिवदत्त हैं। हमें माफ कीजिएगा युवराज, हमने आपको पहले कभी देखा नहीं था इसलिए पहचान नहीं पाए। नहीं 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 राजकुमारी, ऐसा बोलकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। यकीनन आपने हमें पहले कभी नहीं देखा, हमने आपको कभी नहीं देखा, लेकिन फिर भी हमने आपको पहचान लिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि जब दिल किसी को ढूंढना चाहता है ना, तो आंखें उसका पता बता ही देती हैं। और यकीन मानिए राजकुमारी, आज का दिन हमारी आंखों के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज के बाद इन आंखों में नींद नहीं, सिर्फ आपके सपने आएंगे। इंतजार बस उस पल का है जब तुम मेरी बाहों में समाओगी। युवराज, पूजा का मुहूर्त हो गया है, आप कृपया जल स्नान कर लीजिए। माफ कीजिएगा राजकुमारी, इस समय पूजा करनी बहुत आवश्यक है, लेकिन इसके बाद हमारा तमाम समय सिर्फ आपके लिए होगा राजकुमारी। शुभ कार्य नियत समय पर ही होने चाहिए, आप जाके स्नान कर लीजिए, तब तक हम यक्ष महल का भ्रमण कर लेते हैं। जी। आइए। वाह। समझने के लिए शुक्रिया क्रूर सिंह जी। शुक्रिया किस बात का राजकुमारी जी, ये क्रूर सिंह हमेशा आपकी सेवा के लिए है, आपके हर फैसले हर कार्य में आपके साथ। इतिहास है। 100 साल पहले नवगढ़ के राजा महाराज हर्षवर्धन ने अपनी तमाम सिद्धि, शक्ति और बहुमूल्य खजाने को सुरक्षित रखने के लिए एक तिलिस्म का निर्माण कराया था। ये महल उसी तिलिस्म का एक हिस्सा है। इस तिलिस्म की रक्षा करते हुए राजा हर्षवर्धन और रानी चंद्रिका ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, परंतु उनका प्रेम मरा नहीं, एक अमर गाथा बन गया। प्यार हो तो ऐसा, जिए तो एक दूजे के लिए और मरे तो एक दूजे के साथ। ये अचानक मुझे उसका ख्याल क्यों है? पंडित जी, इस जगह को यक्ष महल क्यों कहते? क्योंकि तिलिस्म का निर्माण साधारण मनुष्यों ने नहीं बल्कि यक्षों ने किया था। राजा हर्षवर्धन ने यक्ष को वचन दिया था, कल इस तिलिस्म की स्थापना होते ही हम आपको और आपके तमाम साथियों को अपनी सेवा से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देंगे।
परंतु मुक्ति से पहले ही राजा की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के साथ सारे यक्ष उसी तिलिस्म में कैद हो गए और उनका राजा यक्षराज परम इस महल में। ऐसा माना जाता है कि यक्षराज की आत्मा आज भी इस महल में भटक रही है और उनकी रानी यक्षिणी इस महल के इर्द गिर्द उनकी आजादी की राह देख रही है। पंडित जी, पंडित जी, हमने तो यह भी सुना है, ये जो यक्षिणियां होती थी, ये पुरुषों के साथ सोकर उन्हें अपने वश में कर लिया करती थी और फिर जब इन यक्षिणियों का मन भर जाता था तो ये उन पुरुषों का खून भी पिजाया करती थी। जो चमत्कार पिछले दिनों में हुए हैं उसे ये साबित हो गया है कि तिलिस्म की कहानी सत्य है, तो यक्ष यक्षिणी भी अवश्य होंगे। क्या हुआ है? वहाँ कोई है? कौन है वहाँ? सामने आओ। सामने आओ। क्षमा कीजिए, ये मेरी बेटी मानसी है। अरे आप लोग तो डर गए। मानसी, तुम्हें कितनी बार कहा है ये डराने वाले खेल मत खेला करो। तुम्हें पता है ये लोग कौन है? ये राजकुमारी चंद्रकांता हैं और ये इनके साथी हैं। राजकुमारी चंद्रकांता, मैंने तो कभी सपने में भी सोचा था कि आप मेरे सामने आओगी, पर देखो भगवान ने आपको खुद मेरे सामने भेज दिया। मानसी, राजकुमार शिवदत्त भी आए हैं, जाकर देखो उनका स्नान पूर्ण हुआ या नहीं। जो आपकी आज्ञा पिताजी। आइए। वीरेंद्र सिंह, यहाँ नवगढ़ और विजयगढ़ दोनों की सेनाएं उपस्थित हैं और दोनों राज्य हम खोखारों के दुश्मन हैं। मुझे केवल एक ही चीज का भय है, अगर किसी को हम पर शक हो गया तो। मैंने जो वचन दिया है पिताजी को उसे पूरा करने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा। अंदर जाएंगे कैसे? बहुत बड़े अय्यार बनते हो ना। वो देखो, मौका खुद चलकर तुम्हारे पास आ रहा है। वासुदेवाय।
जाता है उस राजा की बुद्धि और दूरदृष्टि पर, जिसने इस बेवकूफ को तिलिस्म का हकदार बनाया था। कैसे कैयार की सूरत में फंस गया, ये तिलिस्म क्या खोलेगा? मैंने अपना रूप पूरी तरह से बदल लिया है, और फिर भी हमसे अगर कोई सवाल पूछता है कि हम कौन, कहां से आए, कैसे आए, तो उसका जवाब तुम नहीं दोगे, मैं दूंगा। बस सिर्फ तुम अपने गुस्से पर काबू रखना। अब से तुम्हारा नाम वीरू है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं यहां पहले आ चुका हूं? अरे मेरी अय्यारी की पोटली कहां गई? लगता है वहीं छूट गई जहां उन लोगों को बेहोश किया था। चलो मैं लेकर आता हूं, जब तक ना तुम पहरेदारों का जायजा लो, और हां मेरे बिना अंदर मत जाना। हा? राजकुमार शिवदत्त के पास चमत्कारी शक्तियां हैं। महाराज, वो यक्ष महल है ना? हाँ पंडित जगन्नाथ, वही है वो तिलिस्म जो धीरे धीरे जाग रहा है, और वो बहुत जल्द मेरी मूर्ति में होगा।
और आश्चर्य, यहाँ तो पहले कभी कोई दरवाजा था नहीं, फिर ये। चाल तो नहीं मुझे सबके सामने अपमानित करने की? यदि ऐसा है पंडित, तो सबको सजा दूंगा। युवराज, किंतु पिछले कुछ दिनों से यह मंदिर कोई जीवित वस्तु की तरह व्यवहार कर रहा है। ये सब कैसे हुआ हमें ज्ञात नहीं, परंतु एक बात समझ में आ गई कि जो कुछ भी हुआ वो तिलिस्म के असली हकदार के चरण यहाँ पड़ने के कारण हुआ है। एक संभावना और भी है, तिलिस्म के गतिमान होते ही नकारात्मक मायावी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। हो सकता है इस वक्त यहां कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको यहां नहीं होना चाहिए। तिलिस्म होशियार है, उसने अपने आप को और अपनी कुंजी को उस व्यक्ति से बचाने के लिए छुपा लिया। कौन हो सकता है वो? यहाँ तो सब हमारे ही लोग हैं। कौन है यहाँ ऐसा जो लोक कल्याण के मार्ग में बाधक बन रहा है? कौन है जो इस तिलिस्म को परेशान कर रहा है? कौन? मेरी जान बचाई थी, ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने पूछा कौन है तू?